नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हैप्पी दशहरा सबको और दशमी का भी, दुर्गा पूजा का। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं शकरकंद जो पूजा में लोग खाते हैं, और ऐसे भी शकरकंदी चाट दिल्ली का तो बहुत फेमस है। ऐसे हम अभी देखिए इवनिंग टाइम है, चांद सूरज डूब चुका है, चांद निकल गया है। शाम के समय हम ग्रो करने जा रहे हैं इसको। पहले जर्मिनेट करी हूँ मैं, आपको बता देती हूँ किस तरह। जिस तरह मैंने अदरक को कर जर्मिनेट किया था वाटर में, पानी में इसको भी गिराया। मेरे ख्याल से सॉइल से ज़्यादा ये अच्छा से पानी में ही जर्मिनेट हो जाता है वाटर में। अभी थोड़ा इवनिंग टाइम है, थोड़ा अंधेरा लग रहा है, मैं लाइट का भी व्यवस्था करती हूँ, क्योंकि शाम में ही आप अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हो कोई भी वेजिटेबल्स को और जो भी चीज़ हो, सीड्स वगैरह भी इवनिंग टाइम नहीं तो मॉर्निंग टाइम। ये देखिए कितना अच्छा प्लांट बन गया है, काफ़ी अच्छा। पहले हम इस ये मुश्किल से है तो ये जालीदार टोकरी, इसमें मैं प्लास्टिक लगाई हूँ पहले, उसके बाद ये सॉइल डाली हूँ। है फर्टिलाइजर युक्त सॉइल है मेरे पास, बना बनाया सॉइल था इसलिए मैंने मिक्स करने का तरीका नहीं बताई आपको। बस इसमें कुछ ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप 25% भी फर्टिलाइजर जब डाल दो तो काफ़ी सॉइल में ही काफ़ी अच्छा से ग्रो हो जाता है, उसको ज़्यादा फर्टिलाइजर का ज़रूरत नहीं पड़ता। अभी मैं सॉइल लाने जा रही हूँ सॉइल। हाँ ये देखिए, इसमें आप मैं मूँगफली का जो करी थी उसी का है ये सॉइल, फर्टिलाइजर सॉइल है ये, यही सॉइल मैं डालूँगी इसमें। अभी मैं इसका थोड़ा ये पॉट को, मैं लंबा है काफ़ी, इसका ग्रो करने का सोच रही हूँ। क्या क्या मैं सोच रही हूँ, मूली चुकंदर ये सब लगाने का, इसलिए इसका सॉइल है जो अभी यूज कर ले रही हूँ। थोड़ा थोड़ा फूलों में भी डाला है मैंने। ये देखिए अब मैं इसे टोकरी में डाल दूँगी, बास्केट में जो भी है, इसको पॉट ही बोलिए, टोकरी मत बोलिए। पॉट बना लिया है मैंने, और इसे पहले एक लेयर कम से कम 1.5 इंच तक सॉइल डालूँगी। सॉइल डाल दिया, अब इसे हम शकरकंद का जो देखिए कितना अच्छा प्लांट निकल गया है, 2-3 प्लांट निकल गया, रूट काफ़ी इसका अच्छा लग रहा है, अच्छा ग्रो हो गया। मुझे पानी से ज़्यादा ये मिक्स सॉइल से ज़्यादा अच्छा जर्मिनेट मुझे पानी में ही लगा, इसलिए मैं अभी दिखाऊंगी। कभी मैं सॉइल में भी डाली हूँ पर अभी तक प्लांट निकला नहीं है उसमें दोनों, जबकि लगातार ही रखी थी मैं, एक ही साथ रखी थी। अब इसको हम सॉइल से कवर कर देंगे, बस इसमें ज़्यादा फर्टिलाइजर वाला, मतलब फर्टिलाइजर आप डाल सकते हो थोड़ा बहुत, अगर मतलब हेल्दी बनाना है तो 25% या 15% भी चलेगा, इसमें सॉइल की ज़्यादा ये फर्टिलाइजर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बस सॉइल से कवर। सॉइल मगर एक बात है, ओरिजिनल सॉइल है, गार्डन वाला सॉइल ही इसमें डालिएगा। और काफ़ी अच्छा से मुझे वाटर वाला ग्रोइंग अच्छा लगा मुझे। अब तो मैं सारा अपडेट तो आपको दिखाऊंगी, दिखाते रहूंगी कि कैसे कौन कौन सा प्लांट अभी काफ़ी अच्छा अच्छा हो गया मेरे पास, जो जर्मिनेट करके मैं आपको बताई थी। हल्दी अदरक सबको एक साथ मैं दिखाऊंगी, चुकंदर सॉरी शकरकंद और अरबी के तो पत्ते की मैं सब्जियां भी बना के खा रही हूँ। ये रहा तैयार पॉट रेडी हो गया। अब इसके थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव कर देंगे। ज़्यादा पानी डालने का नहीं है, बस केवल स्प्रिंकल करना है, पानी का स्प्रिंकल कर फिर रात भर में अपना ये पकड़ लेगा। थोड़ा सा और मिट्टी ऐसे मैं सुबह में भी मेरे घर थोड़ा सा और मैं इसमें कवर कर दूँगी। सॉइल से कवर कर दूँगी,
करो, अच्छा।